अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन आपका आसिफ शर्मिला हाज़िर ख़िदमत है। नाज़रीन आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं बहुत अफसरदा भी हैं, उदास हैं, एक गम की घड़ी भी है और उसके साथ साथ हम बयान नहीं कर सकते लफ्ज़ों में कि हमारा एक ऐसा साथी, हमारा ऐसा एक दोस्त और ऐसा सिंगर जिसके सहर अंगेज़ आवाज़ से लाखों लोग महरूम हो गए। मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही मकबूल और मारूफ गुलूकार ज़फ़र रामी की। वो आज हम में मौजूद नहीं हैं, अचानक उनको दिल का आर्ज़ा हुआ और वो हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में ही खालिक़े हक़ीक़ी से जा मिले। ज़फ़र रामी साहब ने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ यानी कि गुलूकारी का आगाज़ पाकिस्तान का एक सूबा सिंध है और सिंध का एक बहुत बड़ा शहर है कराची, और कराची का एक मुज़ाफ़ाती इलाका है जिसे हम कहते हैं मलीर। मलीर से ताल्लुक़ रखने वाला ये फ़नकार क्या मालूम था किसी को कि जिस घर में इन्होंने जन्म लिया है उस घर का नाम, इस मुल्क का नाम वो फ़नकार रोशन करेगा। ज़फ़र रामी, ज़फ़र रामी ने अपने फ़नी सफ़र का जब आगाज़ किया तो उस वक्त स्टूडेंट थे अल्लामा इकबाल कॉलेज में, वो स्टूडेंट लीडर थे और वहाँ से उनका फ़नी सफ़र आगाज़ हुआ और उन्होंने स्टेज से अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। ज़फ़र रामी साहब ने मुख्तलिफ प्लेबैक सिंगर्स के फिल्मी गीत और गज़लें गा के अपना आगाज़ किया था, जिसमें हमारे पाकिस्तान के मकबूल गुलूकार इखलाक अहमद, अहमद रुश्दी, मुजीब आलम, ग़ुलाम अब्बास साहब और इंडिया के किशोर कुमार साहब के वो गीत गाया करते थे। उसके बाद रफ्ता रफ्ता उनका एक कैसेट रिलीज़ हुआ
और उस कैसेट में उनके दो गीत थे, और वो दो गीत पाकिस्तानी गुलूकारों के गाए हुए थे और उन्होंने अपनी आवाज़ में गाए, लेकिन बहुत मकबूल हुए उनके वो गीत। उसके बाद उनका एक सोलो ऑडियो कैसेट रिलीज़ हुआ लाल लाल जोड़ा के नाम से, और उस कैसेट ने बड़ी मकबूलियत हासिल की, और एक उस वक्त प्राइवेट चैनल हुआ करता था STN, शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी वालों ने उनका वो कैसेट रिलीज़ किया, उस पर उनका वो इश्तिहार भी चला। आप लोगों ने देखा होगा कि उस दौर में जुनून ग्रुप भी सामने आया, और बहुत सारे फनकार जुनेद जमशेद और इस वक्त अजमत अली और बहुत से फनकार वो मंजरे आम पर आए अपनी आवाज़ के ज़रिए, जिसमें फ़ख्रे आलम भी शामिल हैं। नाज़रीन, इस तरह से ज़फ़र रामे ने जब फ़नी सफ़र का आगाज़ किया, फिर टेलीविज़न पे गाया और बेशुमार PTV की गज़ल गीत के प्रोग्रामों में उन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद ज़फ़र रामे ने प्लेबैक सिंगिंग शुरू की। हमारी माजी की मकबूल हीरोइन शमीम आरा, उन्होंने जब फिल्म बनाई कराची में, तो ज़फ़र रामे की आवाज़ को उन्होंने उस अपनी फिल्मों में शामिल किया, जिसमें बेटा हाथी मेरे साथी फिल्म काबिले ज़िक्र है, जिनके मकबूल गीत आज भी सुने जाते हैं। नाज़रीन, उसके अलावा ज़फ़र रामे साहब ने पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी मौसीकी की नुमाइंदगी की, और वहाँ पे वन मैन शोज़ भी किए। ज़फ़र रामे जहाँ पे वैरायटी प्रोग्राम्स किया करते थे, गीत गाया करते थे, और उनके चाहने वालों का दायरा बहुत वसी होता चला गया, और आज उनकी चाहने वालों की, उनके परिस्तारों की, उनकी आवाज़ को पसंद करने वालों की तादाद लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। आज वो फनकार हमसे जुदा हो गया। ज़फ़र रामे जैसी आवाज़, ज़फ़र रामे जैसा फ़न तो शायद ही अब हमें मुल्क में नज़र आए। और जो उनका इखलाक था, हर किसी से प्यार से मिलना, हर किसी से मोहब्बत करना, हर किसी से उनको सपोर्ट करना। और नाज़रीन, आपको एक बात और बता दूं कि ज़फ़र रामे साहब ने अपनी ज़िंदगी में कई फ़नकारों को सपोर्ट भी किया। सपोर्ट से मेरी मुराद है शो बिज में उन्होंने उनको रास्ता भी दिखाया, उनकी सलाहियतों से जो देखी उनकी, उन्होंने आगे बढ़ने में कदम बा कदम उनका साथ दिया। आज वो पाकिस्तान के सुपर स्टार भी कहलाते हैं, चाहे अदाकार हों या गुलूकार हों। उन्होंने यहाँ तक कि उनको रिहाइश भी अपने घर में दी और उनको मुकम्मल सपोर्ट की। यही वजह है कि जब उनका जनाजा उठ रहा था, हर आंख अश्क बार थी, हर दिल दुखी था। और सिर्फ यही नहीं कि अच्छा फनकार होना, एक अच्छा इंसान होना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो नाज़रीन, हम आज ज़फ़र रामे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, सिर्फ यही नहीं कि हम संजीदा गुफ्तगू करेंगे, बल्कि हम उनके जो बातें हैं, जो वो मजाक किया करते थे दोस्तों में, और जो आम लोगों को बातें नहीं पता, हम वो बातें भी करेंगे, ताकि आप लोगों को इल्म हो सके, आपको मालूम हो सके कि वो फ़नकार कितना बड़ा फ़नकार था और कितना अच्छा इंसान था। ज़फ़र रामे साहब से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा। जब उन्होंने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया तो वो मुझसे 6 महीने सीनियर हैं ज़फ़र रामे साहब। उन्होंने मेरी भी हौसला अफज़ाई की, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट की शो बिज में, जिस वक्त मैं शो बिज में हुआ करता था। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शख्सियात जो मौजूद हैं, मैं उनका आपसे तारुफ करा दूं, और ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने ज़फ़र रामे के साथ काफ़ी तवील वक्त गुजारा, उनके साथ साथ रहे, बल्कि वो जहाँ बैठा करते थे, जहाँ उनकी गैदरिंग होती थी दोस्तों की, जब कोई प्रोग्राम नहीं हुआ करता था तो वो दोस्त उनके यहाँ आके होटल में जमा हो जाते थे, या किसी होटल में बैठते थे, या फिर उनके घर में बैठा करते थे, तो वो दोस्त भी आज हमारे साथ शामिल हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ एक और हमारे मुल्क की कदावर शख्सियत जिन पे हमें फ़ख्र है, वो भी हैं, तो मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा उनसे। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से, ड्रामों के हवाले से जाना पहचाना नाम है, इसके अलावा मॉडल बहुत अच्छे हैं, और इस वक्त सबसे ज़्यादा TV कमर्शल्स में वो काम कर रहे हैं और बहुत मसरूफ़ हैं। उन्होंने अपनी मसरूफियात में से तो हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला और स्टूडियो तशरीफ़ लाए, हम उनका शुक्रिया अदा करते भी हैं। जनाब जुनेद खान साहब, जुनेद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे विनस चैनल तशरीफ़ लाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो आसिफ भाई, हम नहीं आए बल्कि आपने हमें बुलाया है, और ये हमें एज़ाज़ बख्शा कि आज हम विनस टीवी पे बैठे हुए हैं। और ये एज़ाज़ विनस टीवी को जाता है कि सबसे पहले उनकी याद में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। और वैसे तो अभी आपके बाद इंशाल्लाह ताला और भी चैनल्स करेंगे, लेकिन ये एज़ाज़ आपके इस प्रोग्राम को मिला है। और जिस तरह से आपने उनका तारीफ कराया, कंप्लीट आपने उनका तारीफ कराया है, ज़फ़र रामे भाई की एक शख्सियत मैं क्या बताऊं, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। अगर कहा जाए कि किसी खूबसूरत शख्सियत के बारे में बताएं, तो अगर मैं ये कहूं, खुश गुफ्तार थे, खुश लिबास थे, खुश शक्ल थे, तो ख़ुद ब खुद एक हंसता हुआ चेहरा ज़फ़र रामे का हमारे सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, आप सिंगिंग के हवाले से उनको जानते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और इंटरनेशनल सतह पे इनके सॉन्ग्स रिलीज़ भी हुए, और आज वो बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट में और बहुत से प्रोग्रामों में आपको नज़र आते हैं, हमारे मानी भाई। मानी भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे यहाँ से बैठे? जी अल्लाह का शुक्र है। ज़फ़र रामे साहब के हवाले से आप क्या कहेंगे? बस आसिफ भाई, बात सारी ये है कि जैसे आपने अभी फरमाया कि मेरी ज़िंदगी के बहुत अच्छे लम्हात ज़फ़र भाई के साथ गुजरे, और बड़ा सपोर्ट भी किया उन्होंने। मैं बड़ा भाई उनको कहता था, बड़े भैया कह के मैं फ़ोन पे भी उनसे बात करता था, और जब मेरे रूबरू होते थे तब भी मैं उनसे बड़े भैया कह के ही बात करता था। बड़ी रहनुमाई की, और क्योंकि हम उनको बचपन से सुनते थे, हमसे तो बड़े ही थे, तो हम जब शोज़ देखते थे, ज़फ़र भाई एक सहर अंगेज़ शख्सियत के मालिक थे। सबसे बड़ी बात ये, खुश गुफ्तार, और फिर आर्टिस्ट इतने कमाल के, पाको हिंद से अच्छा, लेके। आपने एक बात की मानी भाई के पुर इसरार। अच्छा, अभी इंतकाल से कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे हमारी गुफ्तगु होती थी, ग्रुप हैं बहुत से, उसमें ज़फ़र भाई हर ग्रुप में आते थे, बेशक, बेशक। और बड़ी बात है, बड़ी बात है। और उसमें गीत भी सुनाते थे, बेशक। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक फेसबुक पे भी लिखा और एक व्हाट्सएप पे भी कहा कि ये पुरसरार शख्सियत है, ज़फ़र रामे पुरसरार शख्सियत हैं, और इनमें ये एक जादू है, इनमें एक जादू है, शख्सियत में जादू है। तो ज़फ़र भाई ने मुझे कॉल की, कह लगे यार आसिफ तुमने ये क्या बात लिखी है। आसिफ भाई, मैं आपको बात काट रहा हूँ, इस पे मैंने अपना कमेंट दिया था कि आसिफ भाई आपने इनको पुरस्कार कहा है, तो ये किस वे में, फिर आपने बताया कि फिर मैंने बताया कि ये शख्सियत ऐसी है कि एक बार सामने आ जाए तो लोग इनके गर्विदा हो जाते हैं, इनके इनसे प्यार करने लगते हैं। ये कुदरती एक उनमें एक कशिश थी। और नाज़रीन, इस वक्त हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने लाखों गाने गाए प्राइवेट और फिल्मों में, और उनके गीत आज भी हमारे कानों को भले लगते हैं, और वो अमर गीत हैं जिन जब तक दुनिया में उर्दू बोली जाएगी, उर्दू गाने सुने जाएंगे, हमेशा उनका नाम सरे फहरिस्त रहेगा। और अब मैं ये समझता हूँ कि एक तानसेन तो दुनिया से चले गए, मेहदी हसन साहब, शहनशाह गज़ल, अब हमारे पास ये एक असासा है कि हमें चाहिए कि हम इनकी कदर करें, इनकी इज्जत करें। और इस वक्त वो लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा पन है कि उन्होंने हमारी कॉल पे लब्बैक कहा, और उन्होंने कहा कि ज़फ़र रामे बहुत अच्छा फ़नकार था, मैं ज़रूर आपके आवाज़ के ज़रिए आपके प्रोग्राम में शामिल होऊंगा। तो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, गज़ल गायक, प्लेबैक सिंगर, ग़ुलाम अब्बास साहब। ग़ुलाम अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वीरज चैनल वालों को मैं इस बात का क्रेडिट देता हूँ, आपको भी, कि आपने सबसे पहले जैसे जुनेद भाई ने फरमाया कि आप इसमें बाजी ले गए, सबसे अफसोस में, खुशी में बाजी ले जाना और बात होती है सर, ये सब आप ये अफसोस का जिक्र पहले करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने, आपके चैनल ने ये काम किया कि ज़फ़र रामे भाई की इस सोग का जो प्रोग्राम था, वो आर्टिस्टों ने बकायदा बुला के, अरेंज करके और उनको बुलवा के ज़फ़र रामे भाई के लिए प्रोग्राम आपने खुद किया। आप खुद भी बहुत उनके बहुत प्यारे दोस्त थे, क्योंकि वो सबके प्यारे दोस्त थे,
और मेरे तो खास तौर पे मैं उनको सुरीले भाई कह के बुलाता था। सही बात। जब भी वो आते थे कौंसिल में बैठना उठना होता था और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। लोग अक्सर गाने वाले बैठ के गानों की बातें करते हैं, वो समाजी बातें करते थे, दूसरे के बच्चों का हाल पूछते थे, तबीयत पूछते थे और बातें करते थे म्यूजिक के अलावा। अच्छा अब्बास भाई, जब अब्बास भाई जिस वक्त उन्होंने अपने फनी सफर का आगाज किया था जफर रामे साहब ने, तो उन्होंने आपके गीत बहुत से गाए थे फिल्मों के और आपको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और उस वक्त उस दौर में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आपकी उनकी मुलाकात भी नहीं हुई थी, यानी मुसाफा भी नहीं हुआ होगा। वो जब से आपको बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, फिर उसके बाद उसके बाद तकदीर ने आपसे मिलाया। एक जो जो आइडियल था, आप उनके लिए एक आइडियल थे, अहमद रुश्दी उनके लिए आइडियल थे, मजीब आलम उनके लिए आइडियल थे, इखलाक अहमद साहब उनके लिए आइडियल थे, शहनशाह गजल मेहदी हसन उनके लिए आइडियल थे। और इन्हीं के शमा में जलते हुए उन्होंने अपनी आवाज़ का एक शमा जलाई, अपनी आवाज़ की एक शमा जलाई और वो जाके आप लोगों से आ मिले। तो आपसे जब मुलाकात हुई और फिर प्रोग्राम्स में जब आपने उनको देखा और आपके भी प्रोग्रामों में उन्होंने परफॉर्म किया, तो आपने क्या महसूस किया उनकी आवाज में और उनकी गायकी में? उनकी गायकी में मैंने सबसे बड़ी बात जो महसूस की कि वो बेबाक आर्टिस्ट थे। स्टेज पे ना शर्माने वाले ना घबराने वाले, ऑडियंस के साथ घुल मिल जाते थे। ये बहुत कम होता है। आर्टिस्ट जो स्टेज का होता है उसको ऑडियंस का अपना फासला खत्म करना बहुत देर में आता है। तो जफर भाई में ये मालिक ने ये बात कूट कूट के भरी हुई थी कि जब स्टेज पे बैठते थे, जब माइक पकड़ते थे, तो फासला ऑडियंस का अपना उनका खत्म हो जाता था, खत्म हो जाता था और दिलों में बस जाते थे। क्या बात है, दिलों में बस जाते थे। और अब्बास भाई इसी बात पे मेरी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जफर रामे के कुछ क्लिप्स, उनके गीतों के जो उन्होंने परफॉर्म किया महफिलों में, तो हम पहले वो देखेंगे उसके बाद। आपकी और ये परफॉर्मेंस थी, जुनेद भाई आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी बहुत सारे प्रोग्रामों में उनके साथ रहे, बल्कि आप दो दो साथ साथ जाया करते थे जुनेद भाई, तो कैसा लगता था? देखिए आसिफ भाई, वो नामवर गुलकार थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं, और शख्सियत भी जिस तरह के थे वो, तो उनकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग वॉइस थी, बड़े मेलोडियस थे। और मैंने ये देखा है कि जैसे अभी गुलाम अब्बास भाई ने बताया कि वो घबराते नहीं थे। अच्छा क्या होता था, होता ये था कि जब उनका कोई वन मैन शो होता था, गज़ल गायक माशाल्लाह, और उस वक्त के अहमद रुश्दी साहब, गुलाम अब्बास साहब इनके ही गाने गाया करते थे, तो अपने साथ एक दो आर्टिस्ट प्रमोट करने के लिए इनको ले जाया करते थे, और पहले खुद अपनी एंट्री से पहले उनको वो बिठाया करते थे ताकि वो भी पब्लिक में जो है इन्वॉल्व हो जाएँ। और उसके बाद जब वो आते थे,
उसके बाद फिर कोई दूसरा नहीं होता था, फरमाइशों पे फरमाइशें, फरमाइशों पे फरमाइशें, और उनकी आवाज़ के शहर में जितने सामईन होते थे वो बिल्कुल डूब जाया करते थे। यकीन करें आसिफ भाई, मैं उनके साथ बहुत जगह गया हूँ। हैदराबाद में हमारा एक शो था यौम आज़ादी के हवाले से, तो एज़ यूजुअल वो हमें साथ ले गए थे, तो वहाँ एक जगह प्रोग्राम होना था, लेकिन यकीन करें कि जिस वक्त हैदराबाद को पता चला कि ज़फ़र रामे भाई आए हुए, तो कई प्रोग्राम उसी वक्त तरतीब दिए गए, उसी वक्त सेटअप हुआ, और तमाम ही लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ हैदराबाद का जो आर्ट्स काउंसिल है उधर से लेके और दीनदास क्लब, सब जगह लोग आ गए, उनके इतने मद्दा थे, हम तो खैर साथ होते थे, और उस चीज़ों को हमने अपने सामने देखा है। ये हकीकत है कि वो ऐसे फनकार थे, जब भी गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे आ गए, और मानी भाई आप भी उनके साथ बहुत रहे। अच्छा, जिस वक्त ज़फ़र रामे साहब अगर पहले गालें, अगर ज़फ़र रामे साहब की पहले इंटरव्यू हो गई तो आपकी नहीं हुई, तो उस वक्त आपके क्या तासरात होते थे? क्योंकि ये एक चीज़ होती है ना कि यार ये मुझसे इतना मतलब अच्छा सीनियर आर्टिस्ट है और हम इससे जूनियर हैं, और ये ज़रा ग्रिफ्ट बनाना भी जानते हैं कि ऑडियंस को अपनी ग्रिफ्ट में ले लेंगे, तो थोड़ा सा तजर्बा का भी एक फ़र्क होता है, तो क्या फीलिंग होती थी आप? पहली बात तो ये आसिफ भाई कि वो कभी ऐसा मौका उन्होंने दिया नहीं, वो माशाल्लाह बड़े दिल के आदमी थे और आर्टिस्ट तो बहुत ही बड़े थे, तो हमें उनसे तो ये बात कभी भी, हम इसमें अनकंफर्टेबल रहे नहीं उनके साथ के कभी के ज़फ़र। अब उनके माशाल्लाह फ़ैन फॉलोइंग कितनी थी, अब वही वो जुनेद भाई वाली बात है कि जब हम वहाँ पहुँचे अपना दीन दयाल जो ऑडिटोरियम है, हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि भाई वो माशाल्लाह गेट पे लोग हार फूल लिए खड़े हैं, और ज़फ़र भाई भी इस चीज़ से अनजान थे, हम भी अनजान थे। तो मैंने पूछा, मैं कहा बड़े भैया क्या कोई मिनिस्टर भी यहाँ इन्वाइट है? कह रहे नहीं नहीं भाई, यहाँ बस हम तुम्हें जुनेद हैं, और आई थिंक हनी खान भी साथ थे हमारे, आई थिंक हनी खान भी साथ थे। तो हनी भी मुझसे पूछने लगा कि मानी, मैंने कहा भाई पता नहीं यार, मुझे लग रहा है कोई मिनिस्टर आने वाला है, एक मिनिस्टर प्रोटोकॉल था, कोई मतलब वीआईपी प्रोटोकॉल। आप जैसा कह रहे हैं कि हम जब एंट्री दिए हमने अंदर, तो लोगों ने गाड़ियों पे फूल फेंकने शुरू कर दिए। मैंने कहा गलत समझ गए कोई मिनिस्टर आ गया नहीं। पता चला भाई जब उतरे हैं तो वहाँ एक हमारे असलम साहब होते थे, उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल रखा हुआ था, बकायदा स्टूडेंट्स कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के। देखिए यही चीजें होती हैं जो फनकार का हौसला बढ़ाती हैं, और फनकार को ये लगता है कि यार मैं कुछ हूँ, हालांकि फनकार अपने फन से मोहब्बत करता है वो, लेकिन जिस तरह से पज़ेराई अगर मिलती है तो यकीन कीजिए कि वो इतना सा काम करने वाला फिर इतना ज्यादा काम करने लगता है, उसमें जिम्मेदारी वो महसूस करने लगता है कि यार अब ये लोग मेरे चाहने वाले बढ़ गए, अब मुझ पर जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो मुझे अपने काम को बेहतर करना है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आसिफ भाई, आपकी बात को बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। जी गुलाम अब्बास साहब कुछ कह रहे हैं। जी गुलाम अब्बास साहब, ऐसी ही बात है ज़फ़र भाई, बिल्कुल ऐसे ही थे, बिल्कुल ऐसे। बात तो कूट कूट के भरी हुई थी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम उन्होंने किया, बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया। अच्छा मैं बास भाई, मैं थक गया हूँ। जी 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 अब्बास भाई, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री से लेके टेलीविजन से लेके और स्टेज सब तमाम लोग, यानी कि इतना आपने काम किया है कि आपका जो तजर्बा है, अब तो जाहिर है कि आप एक यूनिवर्सिटी हैं, आप बताते हैं रागों के हवाले से बताते हैं और गायकी के हवाले से बताते हैं कि सुर लय के हवाले से आप बताते हैं, वो जाहिर है आपने इतना काम किया है, इतना सब कुछ किया है, तो ज़फ़र रामे को आप किस जगह देखते हैं? प्लेबैक सिंगिंग उनकी आवाज़ थी या स्टेज पे, या वो परफॉर्म करते थे या टेलीविजन पे परफॉर्म करते थे, तो आप उनकी आवाज के लिए क्या कहेंगे? लेकिन उनकी आवाज की जो कैटेगरी मैं समझता हूँ, मैं अपनी नाकर शक्ल के मुताबिक, वो यकसा आर्टिस्ट थे, फिल्म के लिए भी उतने ही अच्छे और स्टेज के लिए भी उतने ही बेहतरीन, नो डाउट, और महफिल के लिए भी उतने ही बेहतरीन। ये कम होता है कि जो महफिल का आर्टिस्ट होता है वो फिल्म के लिए मौजू नहीं होता, जो फिल्म का आर्टिस्ट होता है वो स्टेज के लिए मौजू नहीं होता, 5 मिनट गुजारता है उसके बाद वो कंफ्यूज होने लगता है, कुछ उसमें वो बात नहीं रहती जो फिल्म के गाने में होती है। अच्छा एक बात मुझे मालूम करना थी अब्बास भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपने बजा फरमाया,
अब्बास भाई एक बात मुझे मालूम करनी थी, क्योंकि जफर आमिर साहब की आवाज बहुत ज्यादा भारी थी जिस वक्त वो रिकॉर्डिंग में होते थे, तो वो ऑर्केस्ट्रे पे हावी हो जाती थी उनकी वो आवाज जो थी। असल में आसिफ भाई वो आवाज 35 की आवाज थी, फिल्म की आवाज थी वो असल में। बिल्कुल, इसी वजह से वो स्टेज पे भी कामयाब हुई और महफिल में भी कामयाब। हाँ जी जुनेद भाई, तो वो मतलब जहाँ पे नमाज के बहुत ज्यादा पाबंद थे और लोगों को इस हवाले से अहदीस के हवाले से बताया करते थे, हालांकि वो गाना वाना लोगों को लोग ये समझते हैं कि या ये दीन से दूर है, जी जी नहीं मजहब से या इससे दूर है, हालांकि ऐसा नहीं है। हमने गुलाम अब्बास साहब को देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हर वक्त पढ़ना, दिल दिल में पढ़ना, इनके होठ हिलते हैं गुलाम अब्बास साहब के, लब हिलते हैं, हर वक्त इनकी पढ़ाई होती है। ऐसे जफर आमिर साहब को देखा कि वो पढ़ रहे होते हैं, और जफर आमिर साहब के हवाले से और भी बहुत सी बातें, बहुत सारी बातें और कुछ चुलबुली सी भी बातें, लेकिन चुलबुली बातें करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक, यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक जी नाज़रीन। ब्लैक ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे गुलाम अब्बास साहब से, गुलाम अब्बास साहब नहीं है, अब हमारे साथ जुनेद साहब थे, मानी थे, और अब हमारे साथ हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिसने रेडियो पाकिस्तान से अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया, आलमी उर्दू सर्विस के अनाउंसर रहे, सदाकार, और आजकल आप लोग देख रहे हैं उनको ARY पे क्रिमिनल मोस्ट वांटेड प्रोग्राम में देखते रहिएगा। यकीनन दुनिया में उनका प्रोग्राम देखा जाता है और कामयाब प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम है। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा साहब। अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। मौजूद खवातीन हज़रात, इन्होंने खास तौर से बुलाया था कि यहाँ पर आना है, इस सेशन में आना है, जफर रामे पाकिस्तान के मकबूल गुलकार, इनके इस ताज़ियती रेफरेंस में आना है, तो फिर उसको इनकार कैसे हो सकता था। बिस्मिल्लाह। जफर रामे साहब का आपका काफ़ी साथ रहा, बहुत साथ रहा। मैं ये समझता हूँ अली भाई कि जब जफर रामे साहब ने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया था, गायकी का आगाज़ किया था, तो उस वक्त कोई स्टूडेंट थे और अल्लामा इकबाल कॉलेज में वो स्टूडेंट, लियाकत कॉलेज में पढ़ते थे, लियाकत कॉलेज। नाज़रीन मैं आपको एक बात बताऊं, जफर रामे मरहूम, जिसको मरहूम कहते हुए यकीन कर लीजिए कि जहन के दरीचों में ऐसा लगता है कि खून की बारिश हो रही है। क्या जुमला बोला, कल जो हमारे साथ हकीकत है, कल जो हमारे साथ दुख, अगर हम पलट कर माजी में देखें तो आप यकीन जानिए कि माजी के झरूकों में अगर झांके तो ऐसा लगता है कि जैसे ये अभी कल ही की तो बात थी, कल या परसों, इससे ज़्यादा कोई टाइम ही नहीं हुआ। अली भाई आपसे और दीगर साथी उनसे बहुत सी बातें करेंगे। इस वक्त गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। गुलाम अब्बास साहब, आपके साथ जफर आमिर साहब ने बहुत सी निजी महफिलें भी की हैं, प्राइवेट जो गज़ल गीत की महफिलें होती हैं, तो जाहिर है कि वन मैन तो आप ही हुआ करते थे, बड़े फनकारों में तो आप हुआ करते थे उस वक्त, लेकिन जफर रामे साहब भी इस दौर के बड़े गुलूकार थे, तो जब वो आते थे तो आपका उनका क्या होता था कि एंट्री के हवाले से और गायकी के हवाले से? जनाब एंट्री के हवाले से तो ये होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे कहीं जूनियर आदमी मुझसे मिल रहा है जी, मुझसे अक्सर प्रोग्राम कहा करते थे कि आज मैं आपको राज बताऊंगा, फिर प्रोग्राम खत्म हो जाता था, चले जाते थे, फिर दोबारा होता था, मैंने कहा यार आज एक राज क्यों नहीं बताते, कई प्रोग्रामों में मुहित हो गया है, आपकी मेहरबानी है जफर भाई, मेरे सुरीले भाई मुझे बता दो। आप तो उन्हें यही कहते थे ना, सुरीले भाई। हाँ मैं सुरीले भाई कहता था। अच्छा, जाते जाते हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे गुलाम अब्बास साहब के, आपने इतना वक्त दिया हमें और हम आपका इंतहाई मशकूर हैं, और आखिर में जाते जाते आप क्या कहेंगे जफर आमिर साहब के हवाले से दो लफ्ज़ों में?
सुर में, इनसे पूछिए सुर में बोले आसिफ, तेरा प्यार मेरे जीवन के संग रहेगा, सुनाए इसमें जरा। गुलाम अब्बास साहब अली रजा साहब ने मुझे एक छोटा सा बताया है कि वो बहुत ज्यादा आपका ये गीत गाया करते थे, जफर रामे साहब, तेरा प्यार मेरे जीवन के संग रहेगा, तो जरा सा अगर आप गुनगुना दें उनकी मोहब्बत में, उनकी मोहब्बत ट्रिब्यूट उनको दे दें। हाँ जी, एक बात की मैं वजाहत कर दूं कि मैंने कहा आज अरिंदा साहब जैसी शख्सियत यहाँ पे आई है, जी जी, वो इतनी बड़ी सीनियर शख्सियत आई है, और भाई दूसरे जुनेद भाई आए हैं, और भाई हमारे दूसरे नैया रजा साहब आए हैं, अली रजा साहब, और आप ये देखिए कि जफर साहब से कितनी मोहब्बत थी इन लोगों की। अली रजा भाई तो कहीं जाते भी नहीं है, मैं वो जब ऑफ था तो मैं बातें सुन रहा था, बाकी इनके पास वक्त इतना नहीं होता कि ये कहीं किसी के लिए चले जाए, एडिट पे कट 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 करके लगा देना, अजमत की बात है कि ये जफर भाई के लिए तशरीफ लाए। हकीकत बात है कि मसरूफ शख्सियात हैं, और जो जिम्मेदारियां इनके प्रोग्राम के हवाले से इन पे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ये हकीकत बात है, और इन्होंने इतना वक्त भी यहाँ पे दिया है तो ये बड़ी बात है। गुलाम अब्बास साहब, बस वो छोटा सा एक मुखड़ा अस्थाई मैं कहूँगा कि वो जरा सी सुना दें, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, जफर रामे के लिए, जफर रामे साहब के लिए सुना दें। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे, रब्बे करीम इस मुल्क पे और हम सब पे अल्लाह आपका साया बरकरार रखे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच। अली भाई, आपसे गुफ्तगू हो रही जनाब, जफर रामे साहब के हवाले से आप कॉलेज की भी बात कर रहे थे और बहुत सी बातें, और हमने ये देखा कि उस वक्त आप स्टेज प्रोग्रामों में जाहिर है कि अनाउंसर की हैसियत से एज ए कंपेयर आप प्रोग्राम करते थे, और जफर रामे साहब आए थे, तो उस वक्त आपने उनको कैसा पाया, किस तरह से देखा आपने, और उनके बुनियादी बात? मैं आपको एक बात बताऊं, जफर रामे जिस तरह पहले दिन था आखिरी दिन तक वैसे ही था, वो कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई उसके अंदर। देखें एक बात मैं आपको बहुत वसूख से कहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि उसने पूरी जिंदगी अपनी, उसकी जो फनी जिंदगी है, उस फनी जिंदगी में कभी कोई नशा और चीज़ें इस्तेमाल नहीं की, नशे पत्ते से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, बस एक ही बात थी कि उसके जहन में था कि वो फ़न की दुनिया का वो सितारा नज़र आए कि जिसकी रोशनी हर एक तक पहुंच रही। बहुत से शोज़ उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए, और आपको एक बात बता दें, ये जो आज आप देखते हैं के मॉडलिंग के शो, जो दुल्हन के मॉडलिंग शो और ये सब, उसके मौजूद भी हैं, पाकिस्तान में पहली बार उन्होंने दुल्हन शो किया था, और जफर रामे साहब के बहुत करीबी दोस्तों में से नैया रजा साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। जफर रामे साहब का जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त से आप साथ रहे, फिर उन्होंने फिल्मों में गाया, और यकीनन अली रजा भाई आप लोग जानते हैं कि किस तरह वो फिल्मों तक गए और किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया शमी मारा की फिल्मों में और दीगर फिल्मों में, तो थोड़ा सा इस पर बताएं आप। देखें असल में बात यह है कि नाम बनाने के लिए जब आर्टिस्ट एक मुकाम पे आता है तो वो एक रात में नहीं आता, उसके पीछे पूरी वो होती है, साइकी है, पूरी एक स्ट्रगल है उसके पीछे उसकी। जफर रामे ने बहुत मेहनत की और बड़ा अपने फ़न के साथ वो बड़ा संजीदा था, अली भाई जानते हैं। और ऐसे ही देखें सबसे मज़ेदार बात यह है कि जफर रामे ने तकरीबन 40-42 साल परफॉर्म किया, ठीक है, लेकिन एक सबसे कमाल की बात यह है कि उसकी जिंदगी में किसी से कोई झगड़ा नहीं था जी, कोई लड़ाई नहीं थी, सबसे उसकी जो
चाहते थी, मोहब्बतें थी, वो उसका फन। अच्छा, उसकी एक बात और है, नैयर भाई आप भी, जुनैद भाई आप भी, मानी भाई आप भी देखेंगे, अली भाई घर में आना जाना और जिस तरह से घर में बैठते, बिल्कुल फैमिली, किचन में भी ऐसे ही चले जाते थे हम लोग और जाके बैठ के अली भाई के यहाँ गए, भाभी ने कुछ बनाया और भाभी आराम कर रही, हम लोग किचन में चले जाते, अली भाई चले जाते थे, निकाल लेते, खा लेते थे हम, जफर भाई के यहाँ होते थे, यही हाल होता था। तो ये एक फैमिली थी, एक घर जैसे बिल्कुल बात थी, कोई गैरियत वाली बात नहीं थी। तो अली भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, दबीउल हसन बहुत अच्छे दोस्त रहे, हाँ। शमी मारा के शोहर, आज वो दुनिया में नहीं है ना, शमी मारा है। तो जब फिल्मों में आए तो उस वक्त आपने उनका क्या बिहेवियर देखा, या जब उन्होंने फिल्म में गाना रिकॉर्ड कराया उसके बाद आए तो क्या तासुर है? जफरनामे का सबसे कमाल ये है पहलू कि जब उसकी शोहरत नहीं थी तो उस वक्त वो खामोश खामोश तन्हा तन्हा बैठा होता था, जब शोहरत हो गई तो बहुत सरनिगू हो गया सबके सामने, मोहब्बतों से मिलने लगा। और फिर अल्लाह ने, देखिए नाज़रीन मैं बता रहा हूँ आपको जिम्मेदारी के साथ, पहला उसका टेलीविज़न का गाना मैंने रिकॉर्ड करवाया था, पहली ऑडियो कैसेट का गाना हमने सोनिक कंपनी में रिकॉर्ड, उसमें दो गाने थे, इकबाल आवान थे और दीगर नहीं ये अलग था, ये फिर उसके बाद लाल लाल जोड़ा, नहीं पहला वो फिल्मी गाना था अहमद रुश्दी साहब का वो था। तो इसके बाद हमारी दोस्ती एक अरसे दराज से उससे चली आ रही थी, चाहे 6 महीने मुलाकात ना हो, साल मुलाकात ना हो, लेकिन जब मिलते तो ऐसा मिलता था कि जैसे रोज बिला नागा 24 घंटे हम साथ होते हैं। यही देखो, यही मोहब्बतों की दलील है। नैयर आप बता रहे थे कि जब ये लाहौर गए तो आप लाहौर में मौजूद थे। जी जी, मैं उस वक्त लाहौर में था अली भाई, और वहाँ भी उसने बहुत टफ टाइम देखा, शमी मारा साहब ने अपना मेहमान बनाया हुआ था उनको, दबीरुल हसन थे वहाँ, मैं भी वहीं था, और उसके अलावा शमी मारा के अलावा भी 2-3 प्रोड्यूसर्स ने उसको अपने फिल्मों में गवाया, बेटा में किया था उन्होंने, बेटा में गाने हम तो चले ससुराल में किया तो था, चले ससुराल, उसके अलावा उसने बरसात की एक रात और मुतहदा फिल्मों में उसने गाया है। लेकिन उसका कमाल हाथी मेरे साथी, हाथी मेरे साथी में उसका सालगिरह का गाना था। जी जी जी, असल बात यह है उसकी, जो सबसे कमाल बात थी कि वो डाउन टू अर्थ आदमी था और बड़ा मोहब्बत से मिलने वाला, नो बैक बाइटिंग, किसी के खिलाफ उसने कभी कोई बात नहीं की, कि जैसे नॉर्मली इंसानों में होता है। लेकिन वो दूसरी बात एक और वो ये थी कि जिस वक्त वो स्ट्रगल में था वैसे ही शोहरत पाने के बाद भी था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई थी। हाँ, मामलात कुछ होते हैं इंसान के, हम अली भाई और जफर रामे और 2-3 और दोस्त हमारे, दबीरुल हसन मरहूम, जुनैद, हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, बिल्कुल एक फैमिली है, और एक दूसरे के घर में आना जाना, और मैं समझता हूँ कि रिश्तेदारों से ज़्यादा बढ़ के ये रिश्तेदार हैं। अच्छा, फंक्शनों में भी हमने देखा, अली भाई, नैयर भाई आप भी गवाह हैं, जुनैद भाई आप भी गवाह हैं, कि जिस वक्त बस स्ट्रगल की तरफ थे, जफर आमिर भाई और हम सब लोग थे, काम कर रहे थे, उस वक्त फंक्शनों में जाते थे, जैसे कि 14 अगस्त का फंक्शन है, शादी ब्याह के प्रोग्राम बहुत होते थे, प्रोग्राम हुआ करते थे बहुत कराची, उस वक्त जफर भाई एक मजाक किया करते थे कि वो फंक्शन में एंट्री करने जा रहा था, या तो हल्की सी मट्टी फेंक दी या पीछे से उनकी बस अब ये शर्ट निकाल दी, मतलब खुश मिजाज आदमी है। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक हुआ है ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद अपने गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, क्योंकि बातें सिर्फ यही नहीं कि हम संजीदा करेंगे, कुछ मुस्कुराती और चुलबुली बातें भी करनी है जो जफर रामे साहब की जात से वाबस्ता हैं। ब्रेक। सुहानी चांद निराती नहीं देती, सुहानी चांद निराते हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांद निराते हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांद
दिनी राती हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, कहीं फूलों के मौसम में कभी हम मिलते थे, पुरानी वो मुलाकातें, पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी हमें सोने नहीं देती। घटाए मेहरबानी से के यादों की वो बरसातें, के यादों की वो बरसातें इन्हें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती, इन्हें सोने नहीं देती। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ज़फ़र रामेश साहब के हवाले से और उनकी कुछ ऐसी बातें जो कि बहुत पोशीदा हैं, लोग नहीं जानते। अली भाई, जो मैं बात कह रहा था कि ज़फ़र रामेश साहब चुलबुले भी बहुत थे, मजाक करना, दोस्तों में बैठ के मजाक करना और बिल्कुल एक घर जैसा माहौल बना लेना। मैं सिर्फ एक बात बताता हूँ, बात यह है कि इंसान को जिंदगी खुशहाली में गुजारनी चाहिए। मामलात ज़िंदगी अल्लाह के और बंदे के दरमियान जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, इसलिए कि परवरदिगार आलम को, नाज़रीन आप भी याद रखिए बात, कि परवरदिगार आलम को शिकवे पसंद नहीं है, हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और खुदा की कसम ज़फ़र रामी को हमने हमेशा एक बात देखी कि चाहे उसके जेब में पैसे हों या ना हों, अगर उससे पूछा हमने ज़फ़र क्या हाल है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, करम है अल्लाह का,
हम चाहेंगे कि मानी हमारे पास मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी से हम फायदा उठाते हुए जफर रामे साहब जो गीत गाया करते हैं। मानी भी जिंदगी भर जब से फील्ड में आए हैं मुस्तकिल साथ रहे हैं, वो बैठक रहती थी जहाँ जब प्रोग्राम नहीं होते थे और या वो कराची में होते थे तो वो जाहिर है गैदरिंग होती थी, आप लोग सब जाते थे, तो उनका कोई गीत जो आपको बहुत पसंद हो। और बिल्कुल अली भाई की बात भी सही है, अली भाई के घर में भी हम बहुत बैठे हैं और माशाल्लाह, और जब बैठ जाते थे तो वो गैदरिंग जो है ना सुबह हम खुद कहते थे कि अभी जाते थे नहीं, अभी भी जा सकते हैं आपको कोई मना नहीं। बिल्कुल मैम, तो आप तो बहुत नहीं थे, जफर भाई की मौजूदगी में बता रहा हूँ। जी तो बात यही होती थी कि वाकई जब, और ये हमारे तो सीनियर थे भाई, बड़े भाइयों की तरह, तो हम तो इनकी बातें सुन के बड़े महसूस होते थे, और इनका जो उनको छेड़ना और उनके जवाब देना और नैयर भाई के बीच में जुगत लाना, तो बड़ा मजा आता था। जिन्हें तो हम लोग बड़ा रस्ते में घर जाते हुए एंजॉय कर रहे थे यार, वो महफिलें बहुत कम में असर आती। दिल्ली, दिल्ली के जो रहने वाले लोग हैं ना नाज़रीन, आपको बताऊं दिल्ली के जितने भी रहने वाले लोग हैं उनका रिएक्शन बड़ा जबरदस्त होता है, जबरदस्त होता है। आप उनसे कोई जुमला कहिए, कोई बात कहिए, तो उसके बाद जो रिएक्ट करते हैं वो कमाल होता है। जी अमानी सुना दें जफर भाई। जी जी बिल्कुल, जफर भाई कल भी हम एक प्रोग्राम में गए थे तो वहाँ देखें, अभी हमारे तो वाकई इनकी बात सही है कि मरहूम कहते हुए भी जो है ना एक दिमाग की जो है ना शरियाने जो है ना नसें वो बिल्कुल वो हो जाती है। हमें तो, मुझे तो यकीन ही नहीं आया था, ये हम सब बड़े उसमें थे, शशदर थे, लेकिन ये है कि जो गाना वो बड़ा मुझसे भी सुनते थे, कहते तुम ये गाया करो यार, और खुद भी बड़े शौक से गाते थे, बड़ा प्यारा गाना है, जब कोई प्यार से बुलाएगा। जी जी जी, जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, अपना चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, अपना चैन ढूंढते रहोगे तुम। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। क्या बात है, क्या बात है, तुमको एक शख्स याद आएगा। इस बेहाल इन्होंने ये गाना गाया है। जी जी, और वाकई जफर रामे हमें कदम कदम पे सबको याद है, याद याद है। अच्छा सी, ये भी तो बड़े गुलूकार थे, बहुत अच्छा गाने वाले थे, और जितने बड़े फनकार थे उससे कहीं ज्यादा, कहीं बुलंद उनका इखलाक था, उनका प्यार था। और आप देखें ना, जनाजे में हम सब लोग मौजूद थे, कौन सी ऐसी आंख थी जो अश्क बार नहीं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि जनाजे में जब मुख्तलिफ तबके फिकर के लोग आए हुए थे, साफी हजरात भी थे, आर्टिस्ट भी थे, उसके अलावा उनके फैन भी थे। अच्छा हुआ ये कि मुख्तलिफ लोगों से जब वहाँ उनके बारे में बात हो रही थी, तो क्योंकि हम लोग तो साथ रहते थे, अली भाई के घर भी होते थे, नैयर भाई के घर भी बैठते थे, तो हम तो जाहिर है ये समझते हैं कि हम बहुत करीब थे, लेकिन जिससे भी गुफ्तगू हुई उसने कहा कि यार वो मुझसे बहुत करीब थे, मुझसे बड़ा प्यार। हुआ यह है कि जो आदमी एक से दो दफा उससे मुलाकात कर लेता था वो कहता था कि बस ये मेरा दोस्त। तो मैं जुनैद भाई आपसे कहूंगा, आपने एक कथा कहनी थी जो आप मुझे इस प्रोग्राम से शुरू में कहना चाह रहे थे, तो जरा सा वो, क्योंकि वक्त अब बहुत कम है मेरे पास। असल में आपने अभी बताया कि बहुत सारे लोग उनके साथ होते थे, अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने कुछ इनके लिए सोचा था। जब याद का आंगन खोलूं तो दोस्त बहुत याद आते हैं, मैं गुजरे दिनों का सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने किस नगरी में वो बस रहे हैं मुद्दत से, मैं रात गए तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ फूलों जैसी बातें थी, कुछ खुशबू जैसे लहजे थे, मैं शहरे चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। वो पल भर की नाराजगियां और मान भी जाना पल भर में, वो पल भर की नाराजगियां और मान भी जाना पल भर में, मैं खुद से जब भी रूठूं तो दोस्त बहुत याद आते हैं।
बहुत क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या क्या बात है, क्या बात है। जफर रामी के लिए मैं मौला अली का कॉल जी कोट करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मौला अली का कॉल है कि जब तुम दुनिया में रहो तो इस तरह रहो कि लोग मिलने की आरजू करें, और जब तुम दुनिया से चले जाओ तो लोग तुम्हें बहुत याद करें। बस यही जिंदगी है कि इंसान आता है और जो वो दुनिया में बो के जाता है उसका फल उसको मिलता है। आज जफर रामी साहब जो बो के गए, बेशक बेशक, अपने इखलाक से, अपनी आवाज से, अपने फन से, वो ही याद आ रहा है सब को। दुनिया तक उनको बड़े अच्छे से याद आ रही है कि उनका मिलना कैसा था। देखिए फनकार, मैंने स्टार्ट में भी कहा कि फनकार होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फनकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अच्छा या बुरा होता है, अच्छा या बुरा। अली रजा साहब बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, वो मुझसे अच्छा बोलते हैं, वो अच्छे हैं, मैं बुरा हो सकता हूँ। वो इसलिए कि अच्छा बुरा तो होता है, जूनियरिटी सीनियरिटी नहीं, अच्छा बुरा तो हो सकता है फन में, लेकिन इखलाक जो है वो एक ही के पास होता है, और वो बहुत कम कम नसीब में आता है। जफर आमिर साहब के पास और बहुत से उनकी सोहबत में जो लोग बैठते थे उनके पास वो इखलाक नज़र आता है, वो तहजीब नज़र आती है, वो सकाफत नज़र आती है हमें, और वो सकाफत के तहजीब के प्रचार करने वाले फनकार थे। और इसी के साथ ही अली भाई आखिर में जाते जाते कुछ कहना चाहें। मैं जफर रामी के लिए कहना चाहता हूँ सिर्फ कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। वाह वाह वाह, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। वाह 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 वाह, बेशक हमारे ये भाई आप कुछ कहना चाहेंगे। रेहान आजमी का जी लाइन मुझे याद आ रही है, मरहूम रेहान आजमी, पहली कैसेट जब हो रही थी इनकी तो सारी टेलीविजन पे भी अली भाई के साथ पहले मेरे घर पे बैठ के लिखी गई थी, बहुत रमजान का था, फर्स्ट कैसेट जब इनकी हो रही थी और अली भाई करवा रहे थे जी, अली भाई लिखा सारा रेहान ने था, तो उसकी एक लाइन मुझे नाज़रीन बता दूं, रेहान आजमी साहब नोहे मरसिया के बहुत अच्छे शायर, उससे पेशतर बहुत बड़े शायर रहे, बहुत उससे पहले भी उन्होंने कई नगमे दिल यानी कि बहुत से मिली नगमे भी लिखे उन्होंने और गीत भी लिखे हैं उन्होंने, और आज भी वो पीटीवी से या हमारे कानों में वो गूंजते हैं, अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, और बहुत से उनके नोहे मरसिए जो कि मुख्तलिफ लोगों ने वो आज भी मुहर्रम में चलते हैं और कामयाब हैं वो लोग जी। उनकी मिसरा शेर का मुझे याद है, हाय क्या लोग मेरे हल्का अहबाब में, हाय क्या लोग, हाय क्या लोग मेरे हल्का अहबाब में थे, क्या बात है। और अहमद नवेद का भी एक शेर है, सुन लीजिए आप, सीने से मेरे जहर उतरने नहीं देते, सीने से मेरे जहर, सीने से मेरे जहर उतरने नहीं देते, जिंदा रहे वो लोग जो मरने नहीं। क्या बात है, ये मोहब्बतें हैं, ये प्यार है, ये चाहत है। मानी भाई आप कुछ कहना चाहें छोटा सा। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हम आप शुरुआत में ही मैंने यही बताया था कि बड़े भाई का एक अपना रुतबा होता है, लेकिन वो उस्तादों की तरह थे, ऐसे ही उन्होंने फील्ड में, अच्छा कुछ गलतियां हमसे भी होती है जाहिर सी बात, हम कमर्शियल आर्टिस्ट हैं, अली भाई भी जानते हैं, माशाल्लाह इनके बड़े प्रोग्राम किए मैंने, नैयर भाई के, जुनेद भाई के ऑर्गेनाइज होस्ट किए प्रोग्राम किए, तो कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, क्योंकि हम जाहिर सी बात है एक नौजवानी का फैक्टर और एक अधेड़ उम्र का फैक्टर में फर्क होता है। तो मुझे ये समझाते थे, देखो मानी मियां, अच्छा ये बहुत बड़ा अच्छा अल्फाज है मानी मियां, तुम ये देखो कि बात ये है कि अगर तुम्हें उसकी कोई बात बुरी लग गई है, फेस टू फेस नहीं बोला करो, अगर तुम्हें कोई बात दिल को गिरा पहुंची तो मुझे आके बताओ, अगर तुम सही हो। तो ये बात मुझे उन्होंने सिखाई, मुझे इसमें बड़ा अल्लाह का शुक्र है। मुझे तो असल में उनकी देखो शख्सियत मैंने पहले भी बताया, खुश गुफ्तार थे, खुश लिबास थे, खुश शक्ल थे और खुश खुराक भी थे, खुश खुराक भी थे। और उनकी अभी एक तस्वीर थी, अभी उनकी एक तस्वीर थी और वो तस्वीर में बड़ा खूबसूरत सा मुस्कुरा रहे थे, तो मुझे उस पर बेख्तियार उनकी उस तस्वीर पर एक शेर था, कुछ तबस्सुम ज़ेर लब कुछ शर्म दामन गीर है, उफ ये किस आलम में खिंचवाई हुई तस्वीर, तस्वीर है। क्या बात है, क्या बात है, अच्छी बात है। देखिए तस्वीर रह जाती है, रूह चली जाती है, बस यही एक किस्सा है जिंदगी का। नाज़रीन लोग आते हैं चले जाते हैं,
लेकिन अपने नकूश छोड़ जाते हैं। कुछ नकूश ऐसे होते हैं जो कि पानी पे लिखे होते हैं, रेत पे लिखे होते हैं, हवा चलती है मिट जाते हैं, लेकिन कुछ नकूश जो होते हैं वो पहाड़ पे लिखे होते हैं, जो खोद दिए जाते हैं और वो अनमिंट होते हैं, उनको मिटाए कोई नहीं मिटा सकता। ज़फ़र हमें एक ऐसी आवाज़ कि वो आवाज़ गूंजती रहेगी, कहीं ना कहीं हमारी समातों से उनकी आवाज़ टकराती रहेगी और हमेशा महफिलें सजती तो रहेंगी लेकिन ज़फ़र रामे की कमी हमेशा महसूस होगी। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए और हमेशा अपने फ़नकारों को कदर की निगाह से देखिए, अपने मुल्क को कदर की निगाह से देखिए। ये मट्टी बड़ी सरखेज़, अगर हम इसको दिल से चाहें तो। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नासिर। Thank you.